जलाने का अवसर मिले किसी को, एक दिन में कितना कुछ चीजें जला सकते हैं? एक महीने सब लोग मिलकर कितना कुछ जला देंगे? लेकिन अगर 6 महीने लाइब्रेरी जल रही हो तो आप कल्पना कर सकते हैं कितना आप समृद्ध लाइब्रेरी रही होगी। शताब्दी तक आते आते इस देश पे मुगलों का आक्रमण हुआ। मुगलों ने बहुत कुछ चीजें नष्ट करना शुरू किया और उनके आड़ में ब्राह्मणों ने भी उनका भरपूर साथ दिया। 13वीं शताब्दी के अंत तक भारत के अधिकांश भाग बौद्धों से सुने कर दिए। बिहार, महाविहार, लाइब्रेरियां सब ध्वंसित कर दी गई। नालंदा की लाइब्रेरी इतनी समृद्ध लाइब्रेरी थी 6 महीनों तक चलती रही। आप सोचिए जरा, अगर आपको किसी चीज को जलाने का अवसर मिले आप 1 घंटे में कितना कुछ चीजें जला सकते हैं? आपको जलाने का अवसर मिले किसी को, एक दिन में कितना कुछ चीजें जला सकते हैं? एक महीने सब लोग मिलकर कितना कुछ जला देंगे? लेकिन अगर 6 महीने लाइब्रेरी जल रही हो तो आप कल्पना कर सकते हैं कितना आप समृद्ध लाइब्रेरी रही होगी। ऐसे सारे विहार ध्वंसित किए और उसका दुष्परिणाम किया हुआ इस देश में, उसका अलाप पाप पुण्य की बात यहाँ नहीं होती थी, कुशल अकुशल की बात होती है। जब से बौद्ध विहारों को नष्ट किया गया इस देश में कभी शिक्षा व्यवस्था अपने पटरी पे नहीं आती। शिक्षा चिकित्सा का बहुत बुरा हाल रहा देश में और आज भी शिक्षा चिकित्सा का बहुत बुरा हाल है। जिस तरह से अफगानिस्तान के लोगों ने आपके सामने जानते हैं भगवान बुद्ध की प्रतिमा तोड़ी, अफगानिस्तान में शुरू हुआ है, आज भी अफगानिस्तान में सिक्योर चल रहा है। न जाने कितने अनाथ वृद्धों को इस देश ने आई बनते हमारा है काटा है, कितने बीमारों को तोड़ा है, उसका दुष्परिणाम क्या हुआ, यह देश आज भी भुगत रहा है। आज भी व्यवस्था पटरी पे नहीं आता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबाराव फूले और जो भी हमारे बहुजन महापुरुष हुए, उन सभी लोगों ने बार बार यही संदेश दिया, बार बार यही शिक्षा दी, यदि हमें अपना कल्याण करना है तो हमें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा।